वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मणि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, UBTER की तरफ से 1238 पदों पर स्टाफ नर्स के लिए भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, इसका ऑफिशियली सिलेबस लेकर आ चुका हूं। एग्ज़ाम के बाद आप लोग जो है पेपर घर ले जा सकते हैं। साथ ही आपको डुप्लीकेट आंसर शीट जो कि कार्बन शीट होगा आपको दे दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर, नेगेटिव मार्किंग, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहां पे बोनस नंबर दिए जाएंगे जो कि मेरिट में यह नंबर ऐड होने वाले हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो चांस ज़्यादा हो जाएगा सिलेक्शन के लिए, पूरी जानकारी देंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली सिलेबस पर। तो दोस्तों, जल्दी से जो है जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। पूरी जानकारी A to Z, सारी जानकारी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग और क्वेश्चन का मीडियम क्या होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियली जो है ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखी है। आप लोग जो हैं 11 जनवरी 2021 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईबुक लेकर आ चुका हूं। इसमें MCQ दिया गया है स्टाफ नर्स के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको यहां पे नॉन टेक्निकल का भी सिलेबस दिया गया है, 89 रुपीज़ की मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पूरा PDF आप लोग परचेस कर सकते हो, 2 सेकेंड के अंदर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ईबुक है। साथ ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो मनीष पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी अंक एवं चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि लिखित परीक्षा जो रिटर्न एग्जाम होगा 200 अंकों का होगा, 200 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से होंगे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल से होंगे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है देखिए फर्स्ट पेपर होगा और सेकेंड पेपर होगा। फर्स्ट में जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 1/4 का, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत करोगे एक नंबर आपका कट जाएगा। समय जो है आपको 3 घंटे दिया जाएगा या 180 मिनट दिया जाएगा। तो 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। देखिए फर्स्ट पेपर में जो है टेक्निकल से होंगे और सेकंड पेपर में नॉन टेक्निकल से होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100-100 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल से, तो देख सकते हैं नर्सिंग से क्वेश्चन होंगे, स्टाफ नर्स से होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है नॉन टेक्निकल जो कि समान हिंदी, समान ज्ञान एवं समान अध्ययन, तो समान हिंदी, समान ज्ञान एवं समान अध्ययन का जो होगा इसमें मैथ नहीं आने वाला है, ना ही आपको रीजनिंग दिए जाएंगे, ना ही आपको इंग्लिश दिए जाएंगे। जी हाँ, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए, तो स्पेशल बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैथ से डर लगता है उन्हें, तो मैथ यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए समान हिंदी से, समान ज्ञान से और समान अध्ययन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों अच्छा है, बहुत ही अच्छी तैयारी, बहुत ही अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 100 क्वेश्चन दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है दोनों इक्वल है, तो आप लोग दोनों के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। नॉन टेक्निकल से भी आप लोग अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। तो इससे जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न पत्र जो कि नॉन टेक्निकल होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद देखिए बोला गया कि एक ही पाली होगी, जो परीक्षा है एक ही दिन होगा, एक ही पाली में होगा। तो आपका जो है एक शिफ्ट में होगा, जो कि आपका 3 घंटे में 180 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें जो है 3 घंटे के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में होगा, एक ही शिफ्ट में होगा और दोनों प्रश्न पत्र जो है होने वाला है, और 3 घंटे का आपका जो है एग्जाम होगा। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है, ठीक है। दोस्तों मैं अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि आपको कोई डाउट ना हो, आप बाद में कमेंट ना करो वीडियो के नीचे, तो पूरा वीडियो अच्छे से देख लो। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। लिखित परीक्षा की प्रथम बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, OMR बेस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, OMR बेस का एग्ज़ाम होगा, पेपर आपको दिए जाएंगे, तो वो पेपर जो है आप लोग घर ले जा सकते हैं। साथ ही हमें आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 मार्च 2021 को एग्ज़ाम होगा, फरवरी में एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तर माला जो है आंसर की लगभग 1 से 2 दिन के अंदर जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं फॉर्म को भर सकते हैं या आप लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट जो OMR बेस की पेपर है उसमें जो है आपको एक साइड में इंग्लिश में दिया जाएगा क्वेश्चन और एक साइड में हिंदी में दिया जाएगा। तो आपको जो है अच्छा लगे उसमें आप एग्ज़ाम दीजिए। और आपका जो है डुप्लीकेट जो आंसर की होता है, कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक आप तो जो है एग्जामिनर को दे दोगे, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होती है आंसर की का कौन कौन से आप लोगों ने जो चूज किया है, तो आपको जो है दे दिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे मेथड लागू किया गया है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है UR एंड OBC के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इससे नीचे लाओगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद SC ST की बात की जाए तो 35% मार्क्स लाना है। इससे नीचे अगर आप लोग मार्क्स लाते हो तो आपको जो है यहाँ पे डिसक्वालीफाई किया जाएगा। देखिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो है कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर्म भरने के लिए। 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग बना सकते हो, बट जैसे कि अगर आपने जो है 2019 में कुछ भी कंप्लीट किया है, चाहे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, DNM, उसके बाद 1 साल अगर आपने कुछ नहीं किया तो 1 साल के जो एक्सपीरियंस है आप लोग जो है कहीं भी बनवा सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। बट आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ये मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं बट आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो 1 साल का एक्सपीरियंस लगाकर आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और अधिकतम 5 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है, तो 1 साल से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब कोई बोलेगा कि सर मेरे पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस है और 6 माह का और एक्सपीरियंस है, इसका मतलब 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको जो है देखिए 6 महीने का जो है 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे, आधा नंबर दिए जाएंगे, और 1 साल का 1 नंबर दिए जाएंगे। तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1.5 मार्क्स दिए जाएंगे, आपका जो है मेरिट में यह नंबर जो है ऐड हो जाएगा। और कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल से कम है तो आप लोग फॉर्म को नहीं भर सकती हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है 2 नंबर दिया जाएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर दिया जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, 5 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है उन्हें 5 नंबर दे दिया जाएगा बोनस में, और जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके चांस ज़्यादा है। बट अगर आप लोग जो है रिटर्न में अच्छे कर जाते हो तो आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पे जो है मोटा मोटी ले लें तो अगर आप लोग रिटर्न में अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 सेंटर दिया गया है यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे, तो हल्द्वानी में और देहरादून में, यहाँ पे 2 में आप लोग चूज कर सकते हैं। जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देहरादून चूज करो या आप लोग हल्द्वानी चूज कर दो, यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ये 2 सेंटर है, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। 800 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, बाकी सभी के लिए 400 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से मनीष पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, ईबुक को परचेज कर लो, काफ़ी कम समय है, अच्छे से तैयारी करो।